माँ तारिणी किए कहीं कि माँ दुर्गा एवं पथर हो पूजा पाउछंती तारिणी रूपी पुरी रु केन्दुझर को केमिति आसिले माँ तारिणी आसंत जानिबा संपूर्ण खबर माँ तारिणी को गुप्त रहस्य ओडिशा राज्य केन्दुझर जिला खटगाँ अवस्थित माँ तारिणी को भव्य मंदिर करुणामयी माँ तारिणी को आशीष टिके पाइबा पाई काही केते दूर हजार हजार श्रद्धालु भक्त माँ को पाख को धाई आसुछंती हेले माँ तारिणी को कौन रही पौराणिक मत त्रेतया जुगरे जेतेबेले भगवान राम को बनवास होता माता सीता हरण कर नहीं जाइए रावण ठीक से बेले प्रभु रामचंद्र माँ दुर्गतिनाशिनी दुर्गा आराधना करते पूजा संतुष्ट हो माँ दुर्गा शून्यवाणी करते बस मु तुम आराधन संतुष्ट है तुम सम्मुखे माँ तारिणी रूपे आविर्भूत होबि किंतु जदि तुम्हें मत देखिदेव ताल मु पाषाण अर्थात प्रस्तर पलटि जीवि एति कही सारे प्रभु रामचंद्र माँ को मुंडिया मारी पणिपात हो सारी जितेबले छिड़ा हो सेतेबले प्रभु रामचंद्र हठात आखि पलक खुलग एवं से माँ को दर्शन करदे माँ दे वाक्य सत्य रूप परिणत हो गला हठात से ही स्थान माँ प्रस्तर पलटि गले से दिन ठारू माँ को तारिणी रूपे समस्ते पूजार्चना कले ये थिला त्रेतया जुगर पौराणिक मत इतिहास कहुची अनेक वर्ष पूर्वे केन्दुझर राजा थिले त्रिलोचन भंज तांको पुअंको नाम थिला गोविंद भंज सब ठीक चली थाए 1480 मसीह राजा त्रिलोचनंकर मृत्यु हला राजा त्रिलोचनंकर परे परे राजभार पुत्र गोविंद भंज संभाली थिले से होचंती माँ को परम भक्त से राजकार्य व्यस्त थिबा जोगु माँ को पुरी रु केन्दुझर को आनी पार नथिले सेथिपाई से निजकु बहुत दुख प्रकाश करुथिले एमिति किछि दिन गला पुणी राजा पुरुषोत्तम देव गोविंद देवंकु डोकरा दे डाकिले पुरुषोत्तम देव तांकु जय गोविंद भंज महाराजा बोली संबोधन तथा आख्या देथिले एवं पुरी अंचल रे थिबा आठगड़ अंचल तांकु खुशीर दान करि देथिले ठीक एही समय रे गोविंद भंज कहिले कांचीरु आनिथिबा माँ तारिणी को निज सह केन्दुझर नहीं जीवापाई यह शुणी उत्तर रे राजा पुरुषोत्तम देव कहिले माँ तारिणी होउछंती पाताली तांकु केमिति जे नेबो एथिरे निराश न होई गोविंद भंज माँ को पाख को जाई राति सारा पूजार्चना कले ठीक सही रातिर कथा पुरुषोत्तम देव राति रे खाई सोईबा बेले माँ तारिणी स्वप्ना देश है स्वप्न आसी माँ कहिले सुन हे पुरुषोत्तम देव गोविंद हेउची मोर परम भक्त ता सहित मु केन्दुझर को जीवि ताकू तुम्हें अनुमति दियो एतिकी कही माँ स्वप्न रु चली गले राति बीतीगला सकाल है पुरुषोत्तम देव गोविंद को डाकरा देले एवं कहिले धन्य हे गोविंद तुम्हें माँ को नेवाई एवं बंदोबस्त कर माँ को किपरी भाव ने गोविंद भाभी भाभी शेषे माँ को पुणी ध्यान कले माँ शून्यवाणी देले एवं कहिले मु जो भली घोड़े चढ़ी कांचीरु पुरी आसी से हीपरी घोड़े चढ़ी तो पचे पचे केन्दुझर को जीवि घोड़ा चलिले मो पादर पाऊजी घोड़ा चलिले ऋणुझुणु शब्द ऋतु जाणीबुजे मु तो पचे पचे आसुची एति शुणि राजा परदिन सकालु बाहरी पड़िले केन्दुझर अभिमुखे राजा घोड़े सवारी होई आसु थांती पछरे माँ तारिणी मध्य घोड़े बसी आसुवा बेले ऋणुझुणु शब्द राजा कानून बाजि थाए एमती आसु आसु जिते बेले से आनंदपुर सीमा पार हो
କେନ୍ଦୁଝର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚି ଜଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କେନ୍ଦୁଝରର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ମାୟା ବିସ୍ତାର କରିଦେଲେ ମା ତାରିଣୀ। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଘୋଡ଼ା ଆଗକୁ ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଋଣଝୁଣୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଭାଗଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ରାଜା ହଠାତ୍ ପଛକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ଓଲଟି ଦେଖିଲେ ମା କରୁଣାମୟୀ ତାରିଣୀ ସେଠାରେ ପ୍ରସ୍ତର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା ଏବଂ ମା କହିଲେ, ମୁଁ ଏଠାରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଇବି। ସେହିଦିନଠୁ ମା ଶାଲବଣରେ ଘଟ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛୁ। ଏ ଥିଲା କରୁଣାମୟୀ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ, ପୌରାଣିକ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ରହସ୍ୟ। ଏମିତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର ରହସ୍ୟମୟ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦିବ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।